हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस ऑफ व्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, दोस्तों रेलवे की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो फाइनली इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो इसमें आप लोग को टोटल आप लोग को 3190 पोस्ट देने को मिलेगा। तो इसमें के लिए आप लोग को ऑल इंडिया कैंडिडेट है, किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को मैं आप लोग को आज वीडियो में बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट फॉर्म तक मैं आप लोग को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ लाइक करके भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता रहेगा और पूछता रहेगा। और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला, सिलेबस क्या होने वाला, सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो अभी तक नहीं दिखा है, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको वो लिंक वीडियो आप लोग को देने को मिलेगा, वो वीडियो भी जरूर देख लेना दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों देख सकते हो ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों डायरेक्ट इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देने को मिलेगा दोस्तों। रेलवे गुड सीट वर्कर वेलफेयर देख सकते हो सोसाइटी पोस्ट, इस वेबसाइट पर आपको आपको पोस्ट जाओगी। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पहले आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म अगर डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड कर लेना, मैं आप लोग को सारी प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो पहले आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, क्लिक हेयर बटन पर पहले एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे इस बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरफ से आप लोग को देने को मिलेगा, सिंपली से एक्सेप्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को क्या क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आप लोग को पहले आप लोग को पोस्ट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, आपको भी आपको हिसाब से पोस्ट सेलेक्ट कर देना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं सेलेक्ट कर दूंगा दोस्तों। तो चलो मैं लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आपका फुल नेम डाल देना, आपका डॉक्यूमेंट हिसाब से। उसके बाद इस पर आपका फादर नेम डाल देना दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका ईमेल आईडी डाल देना, एक्टिव मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी नंबर डाल देना, क्योंकि एक्टिव ईमेल आईडी एंड एक्टिव मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन ओटीपी सब सेंड कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग को एक्टिव मोबाइल एंड एक्टिव ईमेल आईडी नंबर डालना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना। उसके बाद इस पर आपका जेंडर किया है, मेल एंड फीमेल, आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आपका रिलीजन किया है, रिलीजन का मतलब आपका धर्म जाति किया है, इस पर को भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर देना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं सेलेक्ट कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका नेशनलिटी किया है, नेशनलिटी आप लोग को पता होगा दोस्तों इंडियन होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आपका कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो दोस्तों इस पर आपको देने को मिलेगा, आपको भी आपको हिसाब से आपका कैटेगरी सेलेक्ट कर देना। तो चलो मैं एसपी सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर डोमिसाइल स्टेट, आपका स्टेट क्या कहाँ है, इंडिया में जितना स्टेट है इस पर आप लोग को देने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से आपका स्टेट सेलेक्ट कर देना। तो चलो मेरा हिसाब से मेरा स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं असम में बिलोंग करता हूँ, असम मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर से आप लोग को इस स्टेट अप्लाइड फॉर आप लोग को इस बटन पर सिंपली से फिर से आप लोग को आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। इंडिया में जितना स्टेट है इस पर आप लोग को देने को मिलेगा। तो चलो मेरा स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होगा दोस्तों, वो भी दोबारा से आप लोग को कन्फर्म कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आप लोग को अमाउंट कितना पे करना है इस पर भी आप लोग को डायरेक्ट देने को मिलेगा दोस्तों। मुझे अमाउंट पे करना होगा 500 रुपीज, जो लोग एलिजिबल है पेमेंट के लिए इस तरफ से आप लोग को देने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोग को पेमेंट करने के लिए ऑप्शन भी देने को मिलेगा, किस माध्यम से आप लोग को पे करना चाहते हो तो दोस्तों इस पर देखने सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। नेट बैंकिंग ऑप्शन मिलेगा, क्यूआर कोड, वॉलेट, यूपीआई से आप लोग को पे करना चाहते हो पे कर सकते हो। जैसे कि आपको पेटीएम वॉलेट से अगर पे करना चाहते हो तो दोस्तों ये वाला सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, देख सकते हो इस तरफ से आप लोग को सेलेक्ट करना। अगर यूपीआई नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हो तो दोस्तों इस बटन पर सेलेक्ट कर लेना। अगर यूपीआई देना चाहते हो यूपीआई से देना। तो चलो मैं यूपीआई से ही सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर टिक मार्क कर दूंगा दोस्तों, देख सकते हो। उसके बाद इस बटन पर सिंपली से टिक मार्क कर देना, वेरीफाई आई है आर बाई बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, प्रोसेस टू पेमेंट बटन पर आप लोग को करना होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से फिलअप कर देना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों। सारी फिलअप करने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, प्रोसेस टू पेमेंट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। तो दोस्तों जैसे प्रोसेस टू पेमेंट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हो थोड़ा लोडिंग रहे, तो चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों, आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा आप लोग को पेमेंट कितना करना होगा दोस्तों, अच्छा से देख लेना दोस्तों।
तो चलो दोस्तों आपको भी आपको अच्छा से देख लेना। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, साफ साफ इसमें बोला गया है दोस्तों आप लोग को, इसमें आप लोग को पेमेंट करने के बाद दोस्तों इसमें बोला गया योर रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन पीडीएफ फाइल आप लोग को डाउनलोड करना होगा दोस्तों पेमेंट करने के बाद। उसके बाद आप लोग को पेमेंट करने के आप लोग को क्या करना है दोस्तों, इस बटन पर सिंपली से क्लिक करना होगा दोस्तों। इस बटन पर पेमेंट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, मैं आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए दोस्तों ऑप्शन देख सकते हो, इस पर इस यू पी आई आई डी से आप लोग को पेमेंट करना होगा दोस्तों। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे को देखने को मिलेगा दोस्तों, स्कैन करके आप लोग को पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद इसमें फीचर्स दिया गया है दोस्तों आप लोग को, दोस्तों इसमें पेमेंट करने के बाद आप लोग को एक स्लिप मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन स्लिप आप लोग को देने को मिलेगा। तो इस बटन पर सिंपली से क्लिक करके आपको डेट भी सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, ट्रांजेक्शन डेट, अगर आज ट्रांजेक्शन किया तो इस पर आप लोग को ट्रांजेक्शन डेट करना होगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन आई डी इस पर डाल देना दोस्तों। उसके बाद जो आपने ट्रांजेक्शन आई डी आप पेमेंट करने के बाद आप लोग को एक स्लिप मिलेगा दोस्तों, तो उस स्लिप को आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, डाउनलोड कर लेना हो, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस बटन पर अपलोड कर लेना दोस्तों। अपलोड करने के बाद सिंपली से सबमिट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए दोस्तों कैसे करना होगा दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए दोस्तों सिंपली से क्लिक हियर ऑन प्रोसेस टू मेक पेमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस बटन पर, इस बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। तो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से पेमेंट कर देना, तो चलो मेरा हिसाब से मैं पेमेंट कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को मिलते रहेगा और पूछते रहेगा, और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।